गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो अभी हमें दारचा और सुबह के बज गए 8 और उठ तो गए थे लगभग 7 बजे करीब उठ गए थे, पर वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था इसलिए अभी निकले हैं अपने 5-स्टार होटल से और आपको दारचा का सुबह का मौसम दिखाते हैं। भैया मौसम हो गया खराब, इधर का धूप भी निकली और बादल भी काफी हो गए हैं और हमारी सलाह थी कि सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह जल्दी उठ के पैकिंग करके और मनाली की तरफ जल्दी निकल जाएंगे। केलांग तक तो पहुंच ही जाएंगे, पर मौसम के हालात देखकर अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। अगर बरसने लग गया तो फिर तो रुक ही जाएंगे, अगर ना बरसा तो फिर चल पड़ेंगे मनाली की तरफ। अभी आपको एक प्रॉपर व्यू दिखाते हैं, वो सामने बिल्कुल टॉप पर बर्फ पड़ी हुई है और इधर ये बादल काफी हो गए, ऊपर सूरज भी निकल गया, दिख नहीं रहा इस कैमरे में बाकी निकला हुआ भैया। और इधर ये पहाड़ों पर ना पेड़ पौधे दिखाई देने लग गए भैया, काफी खूबसूरत है, कई दिनों बाद इतने पेड़ पौधे दिखाई दिए। और ये एक होटल है जहाँ पर रात रहे थे और यहाँ पर अपना कैंप लगा रखा था, जो आपको शाम को भी दिखाया था मैंने, ये गाड़ी पीछे हटाकर यहाँ कैंप लगा दिए थे। और ये है जी अपना कैंप, सारा कुछ सामान पड़ा अभी इसी को, अब सारे सामान को समेटते हैं और पैकिंग करते हैं, उसके बाद फिर मौसम पर डिपेंड है कि कब चलेंगे। बाकी ठीक है, मिलते हैं आपको सामान समेटने के बाद। हाँ जी दोस्तों, तो खाना वगैरह हो गया और अपना साइकिल भी रेडी हो गया, अब चलते हैं केलांग की तरफ, देखते हैं शायद शिशु तक पहुंचने की इच्छा है कि 70 किलोमीटर है शिशु, वहां तक पहुंच जाए क्योंकि वहां नेटवर्क वगैरह भी है और मार्केट वगैरह भी है, कुछ लेना है वो भी ले लेंगे सामान वगैरह, और जो अपना रिचार्ज वगैरह मेरे खत्म हो गए वो भी कराने हैं, जो हमारी हरियाणा पंजाब की सिमें वो चालू हो जाएंगी। तो ये है जी दारचा का लास्ट व्यू, ये देखिए, और ये होटल था जी जहाँ पर हम रुके थे और वो है जी सबसे लंबा ब्रिज ले मनाली रोड का। तो अभी दारचा से ना लगभग 3 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ से मनाली 140 और जिसपा रह गया जी 1 किलोमीटर, और अभी ना काफी सुहावना एरिया आ गया जी, हरा भरा काफी मन लगने लग गया है। नहीं तो पहले जब लेह लद्दाख का लास्ट पॉइंट था ना 12 लाचा के करीब, तो ये ऐसा मन हो गया था कि बस यहाँ से निकल जाएं। रूखे सूखे पहाड़ है, ना कोई नहाने की व्यवस्था, ना कोई खाने का कुछ अच्छा, मतलब लगभग मेरे को 37-38 दिन हो गए इधर घूमते हुए, तो मन उब चुका था बिल्कुल लेह लद्दाख से। अब थोड़ा मस्त सा व्यू आने लग गया है, नदी है साथ में, ये अपने साथ साथ चलती है फ्लो के साथ साथ, जिधर हम जा रहे हैं इधर ही जा रही है और काफी खूबसूरत लगे, काफी बड़ी नदी है, चुनावी होगी शायद, बाकी अभी तक पता तो लगा नहीं। और वो देखिए थोड़ी थोड़ी स्नो भी जमी हुई है झरनों में, और आगे का व्यू काफी खूबसूरत, हरा भरा एरिया आ गया, अब तो पूरा मन खुश हो गया है, अब अच्छे से व्लॉगिंग भी होगी और अपना सफर भी अच्छा निकलेगा। तो ठीक है, हिमाचल के नज़ारे ये लगा है, तो चलते हैं अब आगे जिसपा जाकर रुकेंगे। तो ये ना जिसपा पहुंचने से पहले एक इनका बुद्धिज्म का ना मंदिर है, यहाँ दलाई लामा का आज बर्थडे है, वो सामने हलवा और चाय लेकर बैठे ना, हलवा और चाय खाई और पी थी, उन्होंने बताया कि आज बर्थडे है जी दलाई लामा का, तो उन्हें विशेष वगैरह दी है। तो ठीक है, अब चलते आगे जिसपा रह गए जी 1 किलोमीटर, आगे जिसपा में जाकर मिलते हैं। तो ये है जी हरियाली से भरा हुआ जिसपा गांव, सब्जी वगैरह देखो भाई साहब, गोभी मटर आलू सब कुछ लगा हुआ है और काफी हरा भरा खूबसूरत गांव, शहर या सिटी कुछ भी लगा लो काफी खूबसूरत है। तो अभी मेन जिसपा में एंटर हो गए हैं, ये देखिए झरनों से आता हुआ पानी पाइप द्वारा, वो ऊपर माउंटेन्स की चोटी पर ना काफी ज्यादा बर्फ है और भाई साहब मौसम हो गया खराब, अगर बारिश आ गई ना तो शिशु नहीं पहुंचा जाएगा, रास्ते में स्टे करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बाकी देखते हैं क्या बनता है। मनाली में तो सुना कि बारिश काफी ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि रास्ते में मिलते रहते ना बाइकर्स वगैरह, उनसे पूछ लेते हैं और वो बता रहे हैं कि तो काफी बारिश हो रही है, बाकी मौसम भी है इधर तो पड़ ही जाती है क्योंकि हरा भरा एरिया ना, पेड़ पौधे काफी है, इधर तो बारिश पड़ती है। तो ये गांव है जी गेमूर, यहाँ पर एटीएम, वो हाँ एटीएम भी है, एटीएम वगैरह सब कुछ है, ये तो काफी कुछ है, इधर कैंपिंग साइट काफी है इधर भी, मतलब ये सारा एरिया ना टूरिस्ट एरिया है ना सारा, मनाली से लेह की तरफ का
तो इसलिए कैंपिंग साइट तो आपको हर जगह मिलेगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, रहने खाने की सब कुछ मिलेगा इधर आपको, और प्राकृतिक नज़ारे वो आपको बोनस में मिलेंगे। तो ठीक है, चलते हैं बाकी ATM देखते, पैसे भी निकलवाने हैं कुछ। जो ये धारचा, गैमूर, जिस्पा वगैरह है ना, ये सारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की एक काफ़ी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। और ये नीचे देखिए, साइडों में फूल लगा रखे हैं और बीच में सब्जियां उगा रखी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर ये वाइट वाइट थोड़े थोड़े येलो येलो फूल हैं, और सामने ऊपर तक घर बसे हुए हैं पहाड़ों में। तो ठीक है, चलते हैं आगे, मौसम भी ऐसा ही हो रखा है। ओ भाई साहब, हाइट आ गई है काफ़ी मुशक्कत वाली, वो आगे से ऊपर चढ़ के इधर आना है, फिर आगे जाना है। हाइट अब भी पैना नहीं छोड़ रही, सभी बोल रहे थे मनाली तक तो ढलान ही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये भी जिस्पा के नीचे घाटियाँ वगैरह, जिस्पा ही लिखा हुआ, पर गैमूर से आगे आकर फिर जिस्पा, पर नहीं किस हिसाब से लिखा हुआ है। और वो सामने चोटी पर काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। तो ठीक है, चढ़ते हैं। ये भी हाइट जब इतने बड़े बड़े पास कर लिए तो ये भी करेंगे, ये तो इतनी खास बड़ी है भी नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। यहाँ पर ना घर ऐसे बने हुए हैं जैसे फॉरेन में होते हैं, झोपड़ी नुमा ऊपर भी काफ़ी ऊपर तक बने हुए। ये देखिए कितना खूबसूरत घर है, और एक ये घर पीछे है। यहाँ पर स्नो पड़ती है इसलिए, जैसे फॉरेन में होते हैं ना जहाँ पर स्नो पड़ते हैं, झोपड़ी नुमा घर होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी हैं सेम। और ये नीचे सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं और ऊपर वो स्नो पड़ी हुई है। तो ठीक है, अब आगे शायद ढलानी है, तो चलते हैं आगे। तो ये है जी केलोंग टाउन, अपने अंदर काफ़ी खूबसूरती समेटे हुए है, टावर वगैरह, नेटवर्क वगैरह सब कुछ है, बादल भी हैं, बारिश का मौसम हो रखा है। जो इसका एलिवेशन है वो है जी 3,080 मीटर, यानी कि इसकी भी काफ़ी हाइट है, और ये एक कस्बा टाइप है। और देखिए अब बादल देखिए काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं, और ऊपर स्नो भी पड़ी हुई है। तो चलते हैं अब इस केलोंग सिटी में, टाउन में अंदर जाके आगे दिखाते हैं कुछ। तो ये है जी ऊपर केलोंग का बस स्टैंड है, और हम नीचे से जा रहे हैं गांव के, मतलब कस्बे के बीच में होते हुए। तो चलते हैं अब। तो ये केलोंग आप आगे जाकर मिलते हैं। पीछे से केलोंग आने के दो रास्ते थे, एक ऊपर से बाईपास और एक नीचे से केलोंग सिटी से होकर। हमने गलती की थी, गलती कर दी केलोंग सिटी से होकर आने की, हाइट बहुत ज़्यादा, दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। चलते हैं अब आगे। केलोंग के अंदर भी आपको ना पुराने पुराने घर मिल जाएंगे, देखिए लकड़ी ऊपर पड़ी है और मिट्टी की पुताई कर रखी है, और ये झांकियाँ वगैरह, विंडो वगैरह भी काफ़ी पुरानी है, पहले हुआ करती थी, और ये ऐसा कुछ है। हाइट अब ख़त्म हो गई है, आगे देखते हैं, उन्हें दोबारा तो नहीं आएगी। तो ये वो बाईपास है जी ऊपर वाला, और हम आगे थे, नीचे से दोबारा हाइट चढ़नी पड़ेगी, बाकी अभी सामने जाके मिल गए। तो ठीक है, अब चलते इसी पर, और सीसूर आ गया यहाँ से 30 किलोमीटर, जिसमें 7 किलोमीटर की हाइट है। तो ठीक है, चलते हैं आगे। और ये बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन केलोंग। केलोंग से निकलने के बाद ना हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी हैं, लग रहा है बारिश आएगी, बाकी देखते हैं कहाँ तक, जहाँ तक नहीं आती वहाँ तक चले जाते हैं। तो टांडी पहुँच गया जी, यहाँ से दोबारा फिर हाइट शुरू होगी, और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हाइट जाती है। और ये जो सात सात नदी चल रही है, चनाव ही है, कन्फर्म हो गया कि चनाव है, और इस पर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है काफी खूबसूरत। ठीक है, चलते हैं अब टांडी के अंदर। तो ये टांडी में ना, ये तो इधर से हम आए हैं, इधर से वो सीधी चनाव रिवर जा रही है, उसमें ये एक रिवर और जुड़ रही है, ये पता नहीं कौन सी है, और आगे जाकर ये बड़ा दरिया बन रहा है, परली तरफ जा रहा है, पता नहीं कौन सा है, बाकी नेट पर शो नहीं हो रहा कि कौन सा इसमें जुड़ा है। और बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है टांडी का, और सीधा हम जा रहे हैं अब
ये हमें 7-8 किलोमीटर की हाइट चढ़नी है आगे, तो बारिश भी थोड़ी थोड़ी आने लग रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही हैं, ज्यादा तो नहीं है, बाकी चलता रहेगा काम। अगर ज्यादा आ गई तो अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेंगे रुकने का। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। नदी का फ्लो अपोजिट साइड है ना, इसलिए आगे हाइट तो जरूर आएगी, उसके बाद हाइट प्लान आ जाए। ये देखिए, पहले नदी साथ साथ चल रही थी, अब ये इसका फ्लो दूसरी तरफ हो गया, ये पीछे की तरफ जा रही है, जिधर वो चिनाब नदी है ना उधर जा रही है, उसमें जाके मिल रही है। तो ठीक है, अभी शिशु 23 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो चले जा रहे हैं, बस बारिश ना हो बाकी सब चल जाएगा। ये एक छोटा सा काफी खूबसूरत सा गांव है, ये झरने के दोनों ओर बसा हुआ है, और जब बर्फ पड़ती है कितना खूबसूरत लगता होगा। यहाँ खेती बाड़ी का काम ज्यादा है, सब्जी वगैरह काफी लगा रखी है, और बीच में सेब वगैरह के पेड़ पौधे काफी हैं, वो आपको दिख रहे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये सारी सब्जी वगैरह और ये सेब के पेड़ है जो बीच में लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर एरिया भैया, हरा भरा और शांत, और ऊपर ये जंगल है साथ साथ, और ये देखिए ऊपर ये अलग सी आकृति बनी हुई है पहाड़ में, ये पता नहीं कैसे बनी हुई है, जैसे डरावनी सी कोई आकृति नहीं होती, जैसे हॉरर फिल्मों में होती है वैसा कुछ बना हुआ है। और भैया बादल अब भी काफी बने हुए, वो सुनो देखिए ऊपर चोटी पे पड़ी हुई है, और बादल तो है ही है। तो शिशु रह गए 20 किलोमीटर, तो ठीक है अब चढ़ाई चढ़े जा रहे हैं, देखते कितने किलोमीटर तक है। तो यहाँ पर ना कोई फेस्टिवल होता है, आर्क्रियाट गोची फेस्टिवल ऐसा कुछ है, लीव एवरी प्लेस बेटर और कुछ ऐसा दिखाई देता वो, और लाहौल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है, इधर शायद होता होगा कहीं, बाकी पता नहीं है, यहाँ आगे होता होगा गांव वगैरह जो दिख रहा है। तो ठीक है अभी आगे चलते हैं वहां। और ये नीचे आपको जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीचे सामने ये सारे मधुमक्खी पालन के डिब्बे हैं, मधुमक्खी पालते हैं, शहद वगैरह निकालते हैं और बेचते हैं, क्योंकि इधर हरियाली काफी ना, ये मधुमक्खी फूलों से रस चूसती हैं और उसका शहद बनाती हैं। तो जो हरियाणा पंजाब की तरफ से ना वो भी इधर ही आते हैं गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो वहाँ सरसों वगैरह के फूल होते हैं, गर्मियों में नहीं होते, इसलिए गर्मियों में इधर लेके आ जाते हैं, इधर हरियाली है फूल वगैरह और अपना बिजनेस वगैरह चलाते रहते हैं। ये आगे कोई गांव है, इसके टॉप तक हाइट है, उसके बाद फिर आगे ढलान शुरू हो जाएगी, वहां तक चढ़ना होगा 2-3 किलोमीटर तो होगा, बाकी देखते कितनी देर में चढ़ते हैं। और नीचे आप देखो यहाँ खेत वगैरह काफी ज्यादा है, हरी हरी सब्जियां, फूल वगैरह, पेड़ पौधे ज्यादा, इधर सब्जियों का ही काम है, जो भी प्लेन एरिया में सब्जियां जाती है ना सारी इसी एरिया में से जाती है, लाहौल स्पीति के एरिया से ज्यादा जाती हैं, यहाँ लगभग हर सब्जी मिलेगी आपको। यहाँ से ये घर कितने सुंदर लग रहे हैं ना, झोपड़ी नुमा, और ये नीचे एक छोटा खुदाई के लिए ट्रैक्टर भी खड़ा है, छोटा सा बिल्कुल, वो दिख रहा होगा आपको, ये है नीचे, ये सब्जियों के लिए होता है इधर। और अभी ऊपर हाइट जानी है, ये काफी ज्यादा हाइट है, तो देखते हैं कब तक चढ़ते हैं। तो ना काफी नीचे से आए, वो देखना इधर से राउंड लगाते हुए वो नीचे घूमते घुमाते काफी नीचे से ना यहाँ पर पहुंच गए, और शिशु रह गए यहाँ से 16 किलोमीटर, और अभी शायद ये लास्ट राउंड है, ये यहाँ से लास्ट राउंड के बाद आगे फिर नीचे गांव की तरफ, हाइट तो अभी भी है वहां गांव तक, हाइट ही हाइट है, उसके बाद ढलान आएगी। और वो देखो दोस्तों सामने ऊपर आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर वो ऊपर न शायद बुद्धा जी का कोई मंदिर वगैरह है, और वहां ना 2-3 लोग हैं, वो देखो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, वो पैदल ऊपर जा रहे, काफी ज्यादा हाइट है, पता नहीं कैसे चढ़ जाते इतनी हाइट पर वो भी पैदल। तो ठीक है अभी यहाँ पर ना थोड़ी देर पानी वगैरह पीते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये लास्ट राउंड रह गया, इसके बाद ढलान है, ये थोरंग गांव है जी, जो नीचे काफी बड़ा पीछे से आ रहा था, दिखा रहा था गांव आपको, सब्जियां वगैरह काफी हैं, वो सामने भी दिख रहा है, थोरंग गांव है। और यहाँ से शिशु रह गया जी 15 किलोमीटर, तो अभी देखते हैं भी वहां जाके हाइट खत्म होती है या आगे फिर हाइट है, तो चलते हैं अब
उधर से राउंड लेते हुए। ये कैसी चढ़ाई है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे लगता बस अब खत्म होगी, अब खत्म होगी। जब भी देखते हैं आगे फिर हाइट आ जाती है, तो पता नहीं कब खत्म होगी। चले जा रहे हैं बस। तो काफी देर बाद ना अब थोड़ा प्लेन रास्ता आया था, आधा 500-400 मीटर साइकिल चलाकर आ रहा हूँ, और अब जाके कहीं ढलान आई है भैया। बहुत ज्यादा चढ़ाई थी, हो थक गए भैया। ठीक है, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं आगे। काफी खूबसूरत एरिया आगे, ये पहाड़ पर हरा हरा घास, ऊपर फूल लगे हुए हैं वाइट वाइट, और ऊपर वो पहाड़ पर स्नो है, ऊपर बादल छाए हुए हैं, और धूप काफी अच्छी लग रही है। और मतलब काफी अच्छा एरिया स्पीति का, ये सारा लाहौल स्पीति में आता, जितना भी एरिया जा रहे हैं ना मनाली से पहले का, ये टनल से पहले शायद सारी लाहौल स्पीति ही है। तो ठीक है, चलते अब आगे, आगे का व्यू दिखाएंगे। और इधर भी काफी खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है पूरी। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो फाइनली काफी देर बाद ढलान आई गई है भैया, अब शायद शिशु तक ढलान ही रहे। तो शाम के ना 6:30 होने वाले हैं, अभी तक शिशु पहुंचे नहीं है, 4-5 किलोमीटर रह गया। अब शायद ये लास्ट ढलान है, पहले अप डाउन चल रहा था, अब ये ढलान है, नीचे जाकर शायद शिशु ही है। तो शिशु रह गए 3 किलोमीटर, ये इस बोर्ड पर लिखा था, और तांदी से 22 किलोमीटर आ गए। तो अभी शिशु मेरे को लगता वो नीचे जाकर ही आगे, रोड वगैरह दिख रहा है वहां पर नीचे होगा। और काफी अच्छी घाटी आ गई है, दोनों तरफ पहाड़ है, और बीच में शायद शिशु गांव है, और ऊपर भी मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। शिशु से ना 2 किलोमीटर पहले सासिन गांव आया, सासिन इसकी पोस्ट ऑफिस है शिशु, और यहाँ पर ज्यादा ये होटल वगैरह मिलेंगे टूरिस्ट के लिए। तो शिशु में एंटर हो गए जी, ताशी यांग खील शिशु मनाली ले हाईवे, और कुछ ऐसा है जी शिशु सिटी का कस्बा लगा लो, इसका नजारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों नीचे तो काफी खूबसूरत व्यू है जी, ये कोई तालाब है, नाम तो नीचे जाके बताएंगे, बाकी टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, हेलीपैड का एरिया भी है नीचे, वो सामने हेलीपैड के दो वो हैं हेलीकॉप्टर उतारने के, और काफी नजारा है यहाँ तो, बोटिंग वगैरह भी है, और भाई मजा आएगा ऊपर से, इधर से जाना होगा। तो नदी के साथ ही ना ये है जी वाटरफॉल, जो काफी ऊपर से गिर रहा है, जूम करके दिखाता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए नीचे पानी की फुहारे दूर दूर तक फैल रही हैं। तो ये देखेंगे सुबह नजदीक जाकर दिखाएंगे, उधर से रास्ता है इसका। तो ठीक है, अभी कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं कोई भी, जहाँ कैंप लगाना है, और शाम काफी होगी, 7 के करीब का टाइम हो गया, तो अभी ढूंढते हैं यहाँ इन पेड़ पौधों के बीच में कहीं लगाएंगे, और ऊपर भी काफी अच्छा व्यू है इधर का, मजा आएगा सुबह व्यू देखते हुए, जब सुबह बर्फ वगैरह ज्यादा होगी इन पहाड़ों पर तब मजा आएगा देखते हुए। तो ठीक है, अभी कोई कैंपिंग को लोकेशन अच्छी देख के कैंप लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो कैंप अपना रेडी हो गया, और शाम के बज गए 7:30, अंधेरा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते हैं, सनसेट बिल्कुल हो चुका है, और ये सामने वही झरना है, और अपने कैंपिंग वगैरह सब रेडी हो गया, अब जा रहे हैं खाना खाने। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज 70-75 किलोमीटर निकाल दिया, काफी थक गए हैं। तो अब खाना खाकर आएंगे, उसके बाद कैंप में अपना वीडियो एडिट करेंगे, और 9-10 बज जाते हैं, और फिर सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ के चलेंगे मनाली की तरफ। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।